बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहना, बिल्कुल घरेलू तरीके से हाथों को अच्छी तरह वॉश करें। और डो बनाने के लिए मैंने बिल्कुल आटे की तरह प्रोसेस, पहले मैदा, 2 कप मैदा मैंने इसे छान लिया है, ठीक है। अब अच्छी तरह इसको छानने के बाद मैं सारी चीज़ें मैदे में ही शामिल करके इसे घूम लूँगी, डो बना लूँगी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इसके अलावा भी 2 प्रोसेस मेरे चैनल पे पिज़्ज़ा डो के मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है इसमें ड्राई इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबल स्पून, 1/2 मग, 1 टीस्पून टेबल स्पून शुगर, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे 1 ही टेबल स्पून ऑयल, जो भी आप रेगुलर घर का ऑयल यूज़ करते हैं। अब इसमें ऑयल डालने के बाद मैं इसमें आज वाली डो में शामिल कर रही हूँ 1 अंडा, ठीक है। इसको हाथों की मदद से पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अंडा भी लिक्विड होता है। अब मैं देखूँगी इसमें कितना लिक्विड यानी कि दूध या पानी इसमें मुझे शामिल करना है। जो भी चीज़ शामिल करें धीरे धीरे कैचोली शामिल करें। नीम गरम दूध, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, इसमें शामिल करती जा रही हूँ और हाथों की मदद से महसूस करते हुए कितने में कितना चाहिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन इस प्रोसेस में मुझे 1 कप मिर्च जो है इस प्रोसेस में लग गया था और शामिल किया था मैंने भूनने में। इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे, स्टिकी सा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में घबराना नहीं है, इस वक्त इस टाइम आपने इसको किचन शेल्फ पे निकालना है और इसे जो है वो हाथों की मदद से आगे पीछे लाते हुए घूमना है। हमारा जो है वो डिपेंड इसकी गुनाई में होता है। ये एक हाथ से आप इसको हल्के हल्के खींचें और प्रेस करते हुए आगे जाएं। ये देखिए, एक हाथ से मैं पीछे की तरफ खींच रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, और एक हाथ से आगे की तरफ कर रही हूँ। आप यकीन करें ये प्रोसेस इतना ज़बरदस्त है कि इससे पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त बनता है कि बस आप ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ से इसको थोड़ा सा नीचे ला कर टैप कर रही हूँ, ठीक है, फिर गिरा रही हूँ, फिर खींच रही हूँ। इसको हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंथना है, इतना कि ये स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाए, ठीक है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल लगाएंगे और एयर टाइट कंटेनर या फिर फॉइल शीट लगा के इसको हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे, यानी कि राइज होने के लिए, प्रूव होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ तैयार करेंगे तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन बना रही हूँ उसमें मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन ली है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही 2 टेबल, इसमें शामिल कर दिया है विनेगर और दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और स्पेशलिटी जो इसकी है तंदूरी मसाला। ये तंदूरी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, आप यकीन करें आप इसको पिज़्ज़ा में डाल के बनाएं। वैसे तो ये चिकन में लगा के हम इसको फ्राई करते हैं, ग्रिल करते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है, किसी भी ब्रांड का ले लें। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, 1/2 लेमन मैंने ले लिया था यानी कि तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस बन गया था। इसमें नमक 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ना ही इसमें गरम मसाला डालेंगे, ना ही इसमें काली मिर्च ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि तंदूरी मसाले में सब चीज़ें शामिल होती हैं। और अब मैं ले लूँगी कढ़ाई। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के ये सारा मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर देंगे और कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। स्टर करते जाएंगे, ढक के बिल्कुल कुक नहीं कीजिएगा, क्योंकि चिकन बहुत मैरिनेटेड हुई हुई है, टेंडर है। इसमें क्योंकि योगर्ट भी शामिल है, लेमन जूस और सिरका भी, तो इसको आप वैसे ही पानी खुश कर लें। और क्यूब की शक्ल में है तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह पका लें,
इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ये ड्राई सी हो जाए। ये देखिए आटा कितना अच्छा जो है वो राइस हुआ है। और क्योंकि अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके पोर्शन बना रही हूँ, और इसको रोलर की मदद से आप इसको बेल लें, ठीक है। और आगे का प्रोसेस वो आप आगे देखेंगे। ये देखिए मैंने इसको बेल के पैन में लगा दिया है एक चम्मच ऑयल के साथ, इसे प्रिकिंग कर दी है। बेलना सबको आता है। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, उसके बाद चीज़ लगाएंगे। पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से चीज़ आती है, इसमें दोनों फ्लेवर्स होते हैं, मोज़ेला और चेडर। वो ऐड कर दिया है मैंने क्रश करके। चिकन तंदूरी क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, कैप्सिकम, टमाटो स्लाइसेस, अनियन स्लाइसेस। अच्छा, आगे मैं ऊपर मिक्स हर्ब और जो है ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो ऑलिव्स और मशरूम, पिज़्ज़ा चीज़ हमने डाल दी, अब ये मैं मशरूम डाल रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो डालें, मैं चाहूँगी कि आप डालें, क्योंकि टेस्ट और खुशबू जो पिज़्ज़ा वाली आती है ना, वो इसी से आती है, ठीक है। इस पर चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दें और मिक्स हर्ब दोबारा से डाल दें और ऊपर से चीज़ डाल देंगे। इसको बेकिंग टाइम है इसका 30 to 35 मिनट ऑन 180 सेल्सियस पे। और जो है ये देखिए जनाब, बेक के बाद ज़बरदस्त सा यम्मी सा पिज़्ज़ा तैयार है खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको फिर हमेशा की तरह पसंद आई होगी। आप सब बहन भाइयों से और बच्चों से ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए, उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पे इसी तरह आते रहिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट एक रहे, आपकी मोटिवेशंस मिलती है। अल्लाह ताला आप सबकी दिली हाजात पूरी करे, हर किस्म की परेशानियों से महफूज करे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।